नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था वाज ए मैच फिक्सिंग। जी हाँ, बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने बिग डिस्क्लोजर किया है ऑन बीजेपी एंड एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके प्रेसिडेंट अब जम्मू एंड कश्मीर के नए सीएम बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला। तो चले पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं कि एक्चुअल में माजरा क्या है। आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में 10 सालों के बाद पहली बार चुनाव हुए। 90 विधानसभा की सीटों पर 3 फेजेज में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए एंड द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन अक्टूबर 8, एंड एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू एंड कश्मीर में नई सरकार बना ली है। नाउ इसी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सांठगांठ करके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था, बाइफरकेशन करके 2 यूटीज में तब्दील किया गया और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया जाता है। नाउ ये क्या माजरा हुआ? बीजेपी जिसका पूरा इलेक्शन कैंपेन तो एनसी एंड कांग्रेस अलायंस के खिलाफ रहा, इन्होंने एनसी के साथ कब सांठगांठ कर ली? तो इसका भी एक छोटा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, चलिए सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस इलेक्शन था वो नवंबर दिसंबर 2014 में कंडक्ट करवाया गया था, एंड आफ्टर इलेक्शन बीजेपी ने पीडीपी के साथ कोएलिशन में गवर्नमेंट को फॉर्म किया। पीडीपी दैट इज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महमूद सईद को बनाया जाता है। लेकिन 7 जनवरी 2016 को इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ गवर्नर्स रूल देखने को मिला इन द स्टेट, और फिर महबूबा मुफ्ती को जम्मू एंड कश्मीर का नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन ये कोएलिशन अधिक समय तक नहीं चला। जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी लेड गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, एंड गवर्नर्स रूल वाज सब्सिक्वेंटली इम्पोज्ड इन दिस स्टेट। इसके बाद नवंबर 2018 में स्टेट असेंबली को भी जो है डिजोल्व कर दिया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस समय सत्यपाल मलिक साहब थे। एंड ये फैक्ट ये भी सामने है कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैड रिटन टू द गवर्नर एक्सप्रेसिंग देयर विलिंगनेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। प्रेजिडेंट रूल वॉज इम्पोज ऑन 20 दिसंबर 2018, यानी कि जो दूसरी पोलिटिकल पार्टीज थी जैसे कि एनसी या कांग्रेस, उन्होंने भी सरकार बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन सब्सिक्वेंटली 20 दिसंबर 2018 को जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन को स्टेट में लाया जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए, अगस्त 2019 में हमने देखा आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ, इसको एब्रोगेट करके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो है लाया जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था, 2 यूटीज में बदल दिया जाता है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली, जहां पर उस समय 83 विधानसभा की सीटें थी, एंड यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट असेंबली। तो यहाँ पे आप ये एरिया देख पा रहे होंगे, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये गिलगित बाल्टिस्तान है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हालांकि एरिया हमारा है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से जो है जानता है। अब ये वाला जो इलाका है इसको हम एक्साई चीन कहते हैं, जो चाइना के कब्जे में है। जो कलर्ड इलाका है वही हमारे पास में है, उसी के ऊपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कब्जा या के कहें कि इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो 2019 में हमने देखा आर्टिकल 370 जो कि संविधान का ही पार्ट था, इसको एब्रोगेट कर दिया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था वाज एब्रोगेटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इसके बाद हमने देखा 2 यूटी यहाँ पे बन जाती है विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, एंड फिर डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है जिसको लेड किया जा रहा था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा। ये 3 मेंबर का एक कमीशन था जिसने जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन किया, और जो विधानसभा की सीटें थी उनको जो है यहाँ पे बढ़ाया जाता है। अब इसकी रिपोर्ट वगैरह भी जो है पेश की गई थी, आप देख लेना, इंटरिम जो रिपोर्ट है वो फरवरी 2022 में पब्लिश की गई थी, एंड द फाइनल डिलिमिटेशन रिपोर्ट वॉज रिलीज ऑन 5 मई 2022। तो इस डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू एंड कश्मीर की जो 83 विधानसभा की सीटें थी उसमें 7 नई सीटों को ऐड किया, टोटल यहाँ पे हमारे पास 90 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं। 6 सीटों को जम्मू डिवीजन में और 1 सीट कश्मीर डिवीजन के लिए जो है यहाँ पे बनाई जाती है।
एंड आफ्टर डिलिमिटेशन द टोटल सीट्स इन द असेंबली रोज टू 114, यानी कि आप समझिए इसमें जो बाकी की बची हुई सीट्स है 24 सीट्स, ये हमने पीओके के लिए रिजर्व रखी हुई है। जब पीओके हमारा हिस्सा बन जाएगा कभी भविष्य में, तो ये 24 सीट्स उनके लिए हमने एलोकेट करके रखी है। 114 में से आप 90 माइनस करोगे तो हमारे पास, सॉरी 24 माइनस करोगे तो हमारे पास बन जाती हैं 90 सीट्स। अभी 90 सीटों के ऊपर ही इलेक्शन जो है हुआ था, ठीक है। और इनको अलग अलग डिवीजन आप देख पाओगे, 46 सीट्स जम्मू डिवीजन के लिए एंड 46 कश्मीर के लिए एंड 47 जम्मू के लिए, या फिर मैं फिर से रिवर्स बोल रहा हूं, खैर 90 विधानसभा के ऊपर अभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन का रिजल्ट रिसेंटली जो है पब्लिश हुआ था। तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार रहा। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना है एंड वीडियो को, सॉरी बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना है। तो देखिए जो इंडी अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिनको हम लोग इंडी अलायंस भी कहते हैं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी एंड सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग की गई, 56 सीटों पे चुनाव लड़ा गया एनसी के द्वारा, 38 कांग्रेस के खाते में आई और एक सीट जो है सीपीआईएम को दी जाती है, हालांकि ये एक सीट भी जीत जाते हैं। और बीजेपी ने यहाँ पे रविंद्र रैना के नेतृत्व में 62 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा। रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहे, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 42 सीटें जीत जाती हैं, कांग्रेस की करारी शिकस्त यहाँ पे देखने को मिली, 38 में से केवल 6 ही सीटों पे अपना कब्जा जो जमा पाई। और सीपीआईएम एक सीट पे चुनाव लड़ा, एक सीट यहाँ पे जीत जाती है। इसके अलावा बीजेपी की अगर आप बात करते हो, 62 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में आती है, पिछली बार से अगर देखा जाए तो 6 अधिक हैं, शायद 6 या फिर 7 अधिक हैं। और पीडीपी की भी यहाँ पे करारी शिकस्त देखने को मिली, 81 सीटों पे चुनाव लड़ा गया लेकिन 3 ही सीट यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की पार्टी जीत पाती है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का इलेक्शन का रिजल्ट रहा। 90 विधानसभा के सीटों पे इलेक्शन हुआ लेकिन 5 यहाँ पे गवर्नर जो है अपॉइंट करता नॉमिनेट करता है, तो टोटल हो जाती है 95 और 95 का जो हाफ करे तो मैजिक नंबर बनता 48, यानी कि सरकार बनाने के लिए 48 सीटों की या विधायकों की जरूरत है। और हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है उनके पास 49 सीटें हो जाती हैं। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा, जो कि अभी के लिए केंद्र शासित प्रदेश है, तो फर्स्ट यूटी के फर्स्ट सीएम यहाँ पे बनते हैं उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट। और यहाँ पे इन्होंने एक रिलीजियस समीकरण भी बैठाया है, सुरेंद्र चौधरी जो कि हिंदू हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है और कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है। अभी के लिए आपको बता दूं, केवल और केवल 6 मंत्रियों ने यहाँ पे शपथ ली है इंक्लूडिंग सीएम, 3 मंत्री यहाँ पे और बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए कि जो 6 मंत्रियों ने यहाँ पे शपथ ली है उसमें से 2 हिंदू रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी एंड सतीश शर्मा। तो जो सतीश शर्मा है उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया है एंड सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो एक रिलीजियस समीकरण नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे बैठाया है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आरोप लगे हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो से इतर अब ये काम करने लग गए हैं। मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था चीख चीख कर कि आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर करेंगे, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत की जाए, खुद इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा और पहले भी ये बयानों में कहते रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनती है और पीएम मोदी की दोबारा इनको बधाई दी जाती है, इनका जो है एक वीडियो वायरल हुआ था काफी, जिसमें ये कह रहे थे कि देखिए आर्टिकल 370 जो कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा हटाया गया था, अब उनसे आर्टिकल 370 को रिस्टोर करवाना सबसे बड़ा मूर्खता पूर्वक काम होगा, यानी कि ये फुलिस है। एंड हमारे जो बगल में अगर आप देखोगे, दोनों तरफ हमारे जो पड़ोसी हैं, दुश्मन बैठे हुए हैं, एक तरफ चाइना एंड एक तरफ पाकिस्तान, तो हमें जो हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, वहां का जो इंफ्रा है उसको और भी ज्यादा मजबूत करना है, युवाओं को नौकरी देनी है। तो ऐसी जो है बातें इनके मुंह से निकल रही थी और इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और
पार्टी मेंबर्स पे ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सांठगांठ करके ही ये सारा काम किया था और बीजेपी के द्वारा ही इनको पावर में जो है लाया गया है। इसलिए कांग्रेस अभी पार्टी सरकार में नहीं बैठी है। कांग्रेस ने कहा कि हम आउटसाइड सपोर्ट आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो रिफ्ट है कांग्रेस के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसमिस किया है इन बातों को, और हमारी जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने हैं उनमें कांग्रेस को शामिल जो किया जाएगा। खैर, ये इनका एक अलग निजी मामला है। ये कहते हुए पाए गए, आई विल नॉट बी फिलिंग ऑल 9 वैकेंसीज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सम वैकेंसीज विल बी केप्ट ओपन एज वी आर टॉक इन विद कांग्रेस। खैर, वो ठीक है, अलग मामला है। कांग्रेस के साथ अगर बातचीत बन जाती है तो एक सीएम सॉरी एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिल सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखते हुए इंजीनियर राशिद, जो कि यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं, हालांकि एंटरिम बेल पे हैं, आप समझे, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट इनके ऊपर लगाया गया है, और ये पहली बार नहीं है। 2005 में भी इनको बुक किया गया था, और कई बार इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको फंडिंग देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जो पथरावबाजी होती थी उसमें भी इनका हाथ कहीं ना कहीं रहा है। तो देखिए, इन्होंने आरोप लगाए कि पीएम मोदी ने जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया था या रिमूव किया था, ये आफ्टर कंसल्टिंग विद फारूक एंड उमर अब्दुल्ला किया था, यानी कि अमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, जो कि अमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले प्रेसिडेंट रहे, उनसे बातचीत करके इन्होंने सारा काम किया। अब ये व्यक्ति कौन है? तो अवामी इत्तेहाद पार्टी, एक लोकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके प्रेसिडेंट हैं, और इसी पार्टी से ये अभी बारामूला से विधायक सांसद हैं, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए 2024 लोकसभा में उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त दी थी। आप देखिए, 2 लाख वोटों से भी अधिक के मार्जिन से इन्होंने वोट दर्ज कराई थी, और जेल में रहते हुए इन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा था। इनके दो यहाँ पे सन बताया जाए, दो बेटे हैं जिन्होंने पूरा इलेक्शन कैंपेन संभाला, और जेल में रहते हुए इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीत जाते हैं, भारी बहुमत से इन्होंने जीत दर्ज की। और इनके बारे में मार्केट में अवेलेबल जानकारियां ये हैं कि 2005 में ही वॉज अरेस्टेड बाई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG इन श्रीनगर फॉर अलेगडली सपोर्टिंग मिलिटेंट, एंड ही वॉज हेल्ड फॉर 3 मंथ्स इन प्रिजन एंड 17 डेज। तो 3 महीने के लिए उस समय इसको रखा गया था। फिर इसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटीज के चार्ज इन पे लगे, एंड बाग राजबाग प्रिजन में रखा गया। फिर इनको ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड्स पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ श्रीनगर के द्वारा इन्हें रिहा कर दिया जाता है। फिर 2019 में हमने देखा UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनको बुक किया जाता है, और 5 सालों से ये व्यक्ति जो है तिहाड़ जेल में बंद है या फिर था, क्योंकि अभी एंटरिम जेल पे है, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा, चुनाव जेल से ही लड़ा, जीत जाते हैं। उस समय ये खबरें सामने आई थी कि हाउ जेल्ड LS पोल्स विनर अमृतपाल सिंह एंड इंजीनियर राशिद विल टेक ओथ। तो आपको बता दूं, अमृतपाल सिंह वो भी आपको पता जेल में बंद है, और उन्होंने भी चुनाव लड़ा था पंजाब से, वो जीत जाते हैं, कुड्डूर साहिबा उनके साथ वो सीट है। खैर, अब ये जो व्यक्ति है इंजीनियर राशिद, इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाने से पहले 3 दिन पहले अमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। राशिद असर्टेड दैट पीएम मोदी कंसल्टेड विद अब्दुल्ला बिफोर मेकिंग द मूव, यानी कि आर्टिकल 370 को हटाने वाला मूव, एंड ही आल्सो अलेक्ट दैट द बीजेपी हेल्प द एनसी अगेन रीगेन पावर इन दी वैली। तो सत्ता में आने के लिए बीजेपी के द्वारा इनकी हेल्प जो है की गई है। स्पीकिंग टू ANI न्यूज, राशिद सेड उमर अब्दुल्ला स्पीक ऑफ स्टेटहुड। अमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की बात करते हैं, 370 एंड आर्टिकल 370 35A की बात करते हैं, लेकिन वे आज के समय आर्टिकल 370 से दूर भाग रहे हैं। व्हेन पीएम मोदी एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 ही मीट फारूक अब्दुल्ला 3 डे बिफोर दैट, एंड आफ्टर द मीटिंग फारूक अब्दुल्ला सेड कि किसी भी प्रकार का एब्रोगेशन नहीं होगा, बट इट वॉज डन, लेकिन ये हुआ। इसीलिए कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ रहा है कि अमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो पीएम मोदी या बीजेपी से कोलुडेड में थी, उनके साथ सांठगांठ में थी, एंड पीएम मोदी ने जो आर्टिकल 370 को हटाया ये इनके साथ मिलकर हटाया।
ऑल ऑफ इट वॉज ए मैच फिक्सिंग। तो ये सभी मैच फिक्सिंग था, ये गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए। हालांकि अभी के लिए मैं बता दूं, बीजेपी या फिर एनसी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आई है या कोई भी इसका रेजिस्टेंस सामने नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो ये अभी के लिए मामला जो है चल रहा है। और अमर अब्दुल्ला के बारे में कुछ ये भी सामने आया है कि सीएम बनने के बाद इन्होंने आर्टिकल 370 को भूल जाने का विचार रखा है। इन्होंने कहा, स्पीकिंग आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन फ्रॉम बीजेपी पुलिस। तो एक पुलिस मूव होगा कि बीजेपी से हमें आर्टिकल 370 को मांगे। हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और जो हमारे एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनके साथ कोऑपरेट करके हम काम करने वाले हैं। तो मनोज सिन्हा का भी यहाँ पे बयान सामने आया है कि देखिए, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा इस सरकार को, नई सरकार को। एंड इन्होंने स्ट्रेस किया है कि जो इम्पोर्टेंस है, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है राज्य की, जो डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे, उसके लिए हम लोग अफर्म हैं। तो मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की अड़चन सरकार को चलाने में नहीं आने वाली है। तो इन सब बातों को लेकर ही मार्केट में ये गर्मजोशी है, ये बातें चल रही हैं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो अब ये ही जाने, ठीक है। हमने एक छोटा सा विश्लेषण इस पे किया है, तो आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या वास्तव में बीजेपी पार्टी ने, या कहें कि मोदी सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक सांठगांठ की। क्योंकि देखिए, पीडीपी के साथ तो इनका गठबंधन टूट गया, इनके साथ तो वापस से ये लोग अलाई होने वाले नहीं है। और अमर अब्दुल्ला को लेकर एक खबर ये भी सामने आ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इन्होंने राज्य विदेश मंत्री, यस, स्टेट फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर का जो पदभार है ये भी संभाला हुआ था कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इन्होंने शुरू पहले कभी, यानी कि पास्ट में, अटल जी कहें या फिर बीजेपी कहें, इनके साथ में मिलकर काम किया हुआ है। तो ये इसीलिए बातें जो है मार्केट में चल रही हैं। ऑल राइट, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।